नई शिक्षा नीति के विरोध में एसएफआई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का कहना है कि ये नीति निजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली हो और छात्र संगठन ने इस दौरान कई नई शिक्षा नीति के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। एसएफआई के जिला सचिव कमल शर्मा ने कहा है कि 2020 में कोविड के दौरान बिना किसी चर्चा के नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। नई शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देने वाली हो और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर निजी स्कूल खोलकर लूट की छूट दी जाएगी। इस नीति को शिक्षा का व्यापारीकरण कर कुछ लोगों को लाभ देने के लिए लाया गया और यह शिक्षा नीति सरकारी शिक्षा को खत्म करने की साजिश है। एसएफआई इसे वापस लेने की मांग कर रही है। आपकी नमस्कार, मेरा नाम कमल शर्मा है, मैं एसएफआई शिमला जिला सचिव। आज एसएफआई डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन हमारा उग्र प्रदर्शन है। हमने आज इस प्रदर्शन में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और हमने जो प्रदेश सरकार जो है रोहित ठाकुर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है और सीएम जो सुक्खू है और केंद्र के जो हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला भी यहाँ पे हमने फूंका है, उसके पीछे कारण ये जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लागू की गई थी, वो शिक्षा नीति उस समय में लागू की गई थी जब पूरे जो हमारा पूरा देश है वो कोविड महामारी से जूझ रहा था। उस समय एक अवसर देखकर एक जो एक निजी सरकारी शिक्षा को खत्म करने की ये नीति जो आई है उसे पास कर दिया गया, जब शिक्षण संस्थान खुले नहीं थे, जब स्कूल कॉलेज खुले नहीं थे, जहां पर इस शिक्षा के नीति के ऊपर थोड़ा भी चर्चा नहीं हुई है।